दोस्तों सुबह का 8 बज चुके हैं और हमारे नए ब्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत है। और देखिए हम आ गए हैं बोरिया गेट, एक चैना बाजार बोलते हैं इसको। देख सकते हैं आप लोग, ये नाइटी है। यहाँ पे पूरे सामान जो आपको सामान उपलब्ध चाहिए वो पूरे सामान आपको मिल जाएंगे। और देखिए एक नाइटी हम ले रहे हैं, एक नाइटी ले रहे हैं। कौन सा ले बेटा? ब्राउन वाला। और पॉकेट है, अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा। हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो देखिए एक नाइटी ले रहे हैं, ये तो भाई साहब दाम बोल रहे थे 350, लेकिन 300 रुपये में दे रहे हैं लास्ट। तो इसको हम रखते हैं और चंदन को मम्मी के लिए, चंदन को पसंद आ गया तो बोले कि मम्मी के लिए ले लीजिए पापा, तो हम इसको ले लेते हैं। और इसको भाई साहब पैक कीजिए आप। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पूरे हर सामान आपको मिलेगा, बहुत अच्छा मार्केट है। और ये नाइट में ख़त्म है, नाइट में अपना अपना घर चले जाते हैं दोस्तों लोग। बैग, जूता, चप्पल, क्रीम पाउडर, कपड़ा लाता उधर आपको दिखाते हैं, मिलेगा राशन पानी भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए रहड़ का दाल मेरा गाड़ी में ख़त्म हो गया है, तो रहड़ का दाल ले रहे हैं और देख रहे हैं राशन पूरा, हर वैरायटी का माल। देखिए और इसको बोलते हैं चैना बाजार, सब सामान उपलब्ध है पूरे है। भारत बाजार हो गया, पहले चाइना बाजार था ना, अभी चेंज हो गया है इनको। पहले हम 5-6 साल में आए हैं तो पहले चाइना बाजार नाम था, अभी भारत बाजार कर दिए हैं। और बहुत सुंदर हर सामान आप लोग का मिलेगा, देख सकते हैं चारों तरफ में एकदम बाजार, ऐसा मार्केट लगा है ना कि जो सिटी का बाजार होता है ना वो बाजार फैला है इसके आगे, वो भी सामान वाले मिलेगा। यहाँ बहुत उपलब्ध है, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, बहुत बढ़िया लगता है। हम तो 5-6 साल के बाद आए हैं इसलिए थोड़ा सा रास्ता भी बंद कर दिए हैं मेन लाइन का इसका, तो दिखाते हैं। इधर भी देख लीजिए, चारों तरफ दिखा लीजिए, मत बैठा दो, चारों तरफ देख लीजिए बाजार, एकदम भारत बाजार इसका नाम अब पड़ गया नया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए चाय वाला भैया कैसे मुड़ी झाड़ कर चाय दे रहे हैं भंडार है। और देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है चाय के लिए। लाइए भाई साहब, मुझे भी चाय दे दीजिए, ये बहुत है पटापट। चाय खत्म हो गया क्या आपका? बंद चाय बहुत भीड़ था, तो बहुत बोलने के बाद इन्होंने चाय हमारे को दिए। और देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है चाय के लिए, और बहुत जल्दबाजी में है। और देख सकते हैं इधर इडली डोसा, चारों तरफ चाइना बाजार, भारत बाजार इसको बोलते हैं, पहले चाइना बाजार नाम था अभी भारत बाजार हो गया है। ठीक है दोस्तों, चाय पीते हैं हम लोग। बोरिया गेट में आ गए, गाड़ी खड़ी है गेट में, हम लोग आ गए बाजार में और ले रहे नाश्ता पैक करा रहे हैं भेला स्टील प्लांट में। और देख सकते हैं आप लोग अंदर में अब कहाँ मिलेगा क्या पता, तो यहीं से आए हैं बाजार में। तो नाश्ता पैक करा रहे हैं, पूरी पैक करा रहे हैं नाश्ता के लिए, अब अंदर में जाके खाया हुआ जाएगा। और देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ मार्केट अच्छा है, भारत बाजार हो गया है। ये सेव दे रहे भाई साहब, ले रहे हैं सेव, अंदर जाना है प्लांट में तो ले लेते हैं हम लोग। नाश्ता पानी होगा, सेव भी खाते रहेंगे है कि नहीं। और थोड़ा भाई साहब बढ़िया बढ़िया दीजिएगा, वैसे मंद यार, वो मंद यार, अरे वो सब मंद हो यार, दाग ऐसे मत हो ना, करोटी में तो ना एकदम मत, अरे ये तो है यार छोटा दाना है, इसमें लगा लो, ये चढ़ा दो। ये देखिए भेला स्टील प्लांट का एक चौक है बोरिया गेट का, और देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा चौक है। और बीच में देखिए सड़क बना हुआ, सामने देखिए भेला स्टील प्लांट का, और गाड़ी मेरा खड़ी है जा रहे हैं, बहुत देर हो गया हमको, झोड़ता होगा लोग हमारे को। देखिए रास्ता गया रुआ बंदा तरफ, इधर झलाइन चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों गाड़ी अंदर घुस गया है बोरिया गेट के अंदर, स्टील प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप लोग देख सकते हैं सामने झाड़ है पूरा, गाड़ी भी अंदर घूल लाइन से लगा हुआ है और पीछे में गेट है। नाश्ता हम लाए थे पूरी, मिलेगा नहीं तो देखिए पूरी नाश्ता कर रहे हैं, तो हम ले लेते पार्सल करा लिए थे तो अंदर में लेके और आ गए, तो नाश्ता हम करते हैं। देखिए छोला है, ये आप लोग देख सकते हैं छोला, ये देख सकते हैं मटर का है ना, तो नाश्ता करते हैं दोस्तों, आप लोग भी नाश्ता वास्ता कीजिए बढ़िया से घर में, और अच्छा से रानी माता रानी का पूजा पाठ कीजिए बढ़िया से, आज सप्तमी है, बहुत खुशी की बात है। और हमारा टाइम भी देखिए हो गया, 9 बज गया है, लमसम 9 हो गया, तो नाश्ता करते हैं। ये त्रिपाल रास्ता खोल दिए हम लोग, अब तो मुड़ने जा रहे हैं रास्ता त्रिपाल,
ये चंद्रमा हमारा त्रिपाल मोड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, खोल दिए हम लोग, ला रहे हैं। लाइए चंद्र बाबू, देखिए बड़ा मेहनत है, खाली जगह पड़ रहा है, देखिए ये लेके आ गए इधर, लाइए लाइए। तो देखिए हम भेला स्टील प्लांट है, गोडाउन में आए थे गाड़ी खाली करने के लिए। आप देख सकते हैं पूरा सामान रखा हुआ है चारों तरफ, और ये पीछे में गाड़ी मेरा लगता है, आपको दिखाते हैं। तो हमारी गाड़ी का बैक करने लगा, तो हमारी गाड़ी का मान लो ऑटोमेटिक क्या हो गया, गाड़ी बंद हो गई। अब बंद होने के कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो बहुत सारा हम परेशान हो गए। फ्यूज व्यूज सब देखे, इसका रिले उले पूरे देखे। लास्ट में मिस्त्री को फोन किया हमने, सेठ जी को, फिर मिस्त्री को नंबर मैसेज किए, उनसे बात हुआ तो बोले भैया रिले उला आपका खराब हो गया होगा, लेकिन रिला सब सही था। मिस्त्री आए चेक किए तो इसका सेल्फ पूरा खत्म हो गया, जल गया। तो सेल्फ अभी ले गए थे और लेके फिर नया भिलाई से खरीद के लेके आए, और सेल्फ लग गया, मेरा गाड़ी भी स्टार्ट हो गया अभी। तो गाड़ी हम लगाने जा रहे हैं, लेकिन मेरा गाड़ी आज खाली नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि बाहर में रहना पड़ेगा, गाड़ी अंदर रहेगी और हमको संडे को भी नहीं खाली होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टील प्लांट है, इसलिए हम लोग का थोड़ा परेशानी पड़ जाएगा। अब बाहर में हम लोग कहाँ रुकेंगे, वही हम लोग सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो बाहर में 5 बजे के बाद में हम लोग का 6 बजे बाहर हम लोग निकल जाएंगे। अब देखते हैं व्यवस्था ऐसा होगा तो रायपुर जाना पड़ेगा हम लोग का ट्रांसपोर्ट में ऑफिस में, वहीं जाकर रुकना पड़ेगा। अन्य इधर तो कोई व्यवस्था है नहीं रुकने का, गाड़ी जो लगाएंगे खाली करने के लिए। अब देखते हैं कितना माल खाली होता है, क्या पूरा तो होगा नहीं। सरकारी प्लान का नियम कुछ ही और ऐसा है कि यहाँ पे आदमी भी नहीं रख सकता गाड़ी में, प्राइवेट रहता तो आदमी रह सकता था। टाइम भी अब 4 से ज़्यादा टाइम हो गया, आपको 4:30 होने जा रहा है, आधा घंटा में कितना गाड़ी खाली करेगा लोगों। अब परेशानी पड़ रहा है हम लोग का, खाने पीना खाना भी हम लोग नहीं खाए, कोई नाश्ते वस्ते पर है। सेव लाए थे तो देख सकते हैं, ये सेव लाए थे तो चंदन बाबू भी खाए और हम भी खाए, एक बच गया है, और केला भी था। तो देखते हैं अब कहाँ हम लोग का रुकने का व्यवस्था होता है। अब सोमवार के दिन गाड़ी खाली होगा, तब तक के लिए हम लोग का 2 दिन परेशानी झेलना पड़ेगा। और देखिए क्या होता है, ब्लॉकिंग होता है या नहीं होता है नहीं बता सकते पूरा क्लियर, लेकिन अब मन थोड़ा दुखी हो गया, छूट हो गया। त्यौहार में ऐसा हो गया तो हम लोग सोचे कि खाली हो जाएगा, तो चलिए कल नहीं तो परसों हम लोग लोड करके हम लोग भी निकलेंगे बाहर, आगे रास्ता में कहीं अच्छा से रहेंगे हम लोग। तो जैसा ऊपर लगा कृपा क्या पे लिएगा माता रानी का, ऊपर लगा जो है विचार। अब गाड़ी जब उसके गाड़ी घोड़ा है ना, इनका कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। और ये BS6 गाड़ी है, इसमें बहुत लोचा वाला काम है। तो ठीक है दोस्तों, गाड़ी लगाते हैं अनलोडिंग पॉइंट में, लेबर आ रही है बोल रहे हैं लगाइए। दोस्तों कुछ माल खाली हुआ, गाड़ी ब्रेक डाउन होने के कारण मेरा, और माल नहीं रह गया है। देख लीजिए ये 5 गो बूस है और 2 गो प्लेट है, और गाड़ी कंपनी के प्लांट के अंदर रहेगा, स्टील प्लांट है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, और गाड़ी खड़ा करना है और हम लोग ऊपर से त्रिपाल अच्छी तरह मार देते हैं। और कोई तरह का इसमें अगर माल का हानिकारक होगा तो हमारा जवाबदारी नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा माल अवेलेबल है हमारा। ये जो 5 पीस बूस है और 2 पीस प्लेट है, अब इसके अंदर क्या माल है नहीं हमको मालूम है, पैक है। ठीक है दोस्तों, पीतल का ये सामान है 2 पीस। तो ये देख लो, आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग सामने गुआ भी है, आप लोग देखिएगा तो फिर हमारा कोई तरह का आप लोग समर्थन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। कल के लिए मेरे ऊपर कोई रिक्शा आएगा तो पूरा माल देख सकते हैं, और ये रोलर है। ठीक है दोस्तों, ये भाई साहब हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, और इनका देखिए भजिया जिसको पकौड़ी बोलते हैं, बहुत स्वादिष्ट चना का, और हम लोग खाए अभी चना दाल प्याज और देखिए सत्तू का, ये बिहार वाला सत्तू का लिट्टी है, इसमें सत्तू डाला हुआ है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और हमारा गाड़ी तो प्लाट के अंदर में निकली नहीं, और परमिशन खत्म हो गया, कहे कि कल संडे है, मेरा गाड़ी खाली होगा, और हम लोग अलाउ नहीं है गाड़ी में रुकने का, क्योंकि सरकारी प्लांट है, अब उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। प्राइवेट रहते तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग बाहर निकल गए, घूमते घूमते आ गए, तो हम लोग कुछ खाने पीने के मिल जाए, तो दिन में तो खाना खाए नहीं दोस्तों, अब भूख लगा हुआ था, क्या बोले, वही जो पूरी नाश्ता किए थे, सेव रखे थे वो हम लोग खाए। गाड़ी का तो सेल्फ लग गया, तो यहीं पर आए, देखिए नाश्ता किए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, भाई साहब ने बनाए थे, लेकिन थोड़ा चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चाय बनाते नहीं है,
तो अब क्या किया जाए देखिए, टाइम भी मेरे ख्याल से 8 बजे का साइड, 7 बज गया दोस्तों, तो नाश्ता हो गया हम लोग का। और देखिए प्लान बन रहा है, रुकने का तो विचार था यहीं पे, लेकिन रायपुर अब जाने के लिए सेठ जी फ़ोन किए थे तो बोले आ जाइए आप लोग, यहीं गाड़ी है अपना कंपनी का, एक तो दुर्ग बाईपास में, तो गाड़ी आएगी तो हम लोग फिर चले जाएंगे वही ऑफिस में जाके, वहाँ रुकेंगे फिर परसों सवेरे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, आप लोग बहुत स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए और सुरक्षित रहिए, माता रानी के बस पूजा पाठ करते रहिए। ठीक है, हेलो दोस्तों, ये देखिए हम लोग, ये खाना हम लोग का आ गया है, देखिए ये गोभी है, पत्ता गोभी और मटर इसमें डाला हुआ है सब्जी, और देखिए पनीर मटर मसाला, और ये रहर का दाल है, और ये सलाद है, चटनी अचार है, और ये रोटी है, और ये दो थाली हम लोग का पार्सल आया हुआ है, दो रोटी एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, ये चावल है पार्सल, आप लोग देख सकते हैं, और हम लोग का खाना निकल गया है और हम लोग खाते हैं, जैसा कम लगेगा तो दूसरा भी हम लोग थाली खोलेंगे। एक थाली का 100 रुपये दाम है, दो थाली मंगाए हैं हम लोग और 200 रुपये लगा है, और यह खुद ला कर स्वयं पहुँचा के मिला है, और हम लोग खा रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, और ये देखिए बहुत बढ़िया है भोजन। खाते हैं, ये पनीर है, हम लोग का भोजन वोजन हो गया दोस्तों, और देखिए पेट भी लग गया, बिस्तर भी लग गया, और टाइम हो गया 9:40, और भोजन वोजन हम लोग का हो गया बढ़िया से, गाड़ी तो बाहर निकल को नहीं गया, तो देखिए रूम भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे पंखा भी लगा हुआ है, लाइट भी सब है, तो आराम करने का आ गया, तो हम लोग का देखिए, और आज का ब्लॉग फिर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और कल नए ब्लॉग के साथ में आप लोग को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।